दोस्तों आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जांपल देखने वाले। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे ही आपके स्टडी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें पहले बेसिक थ्री रूल पता होने चाहिए जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, आपने M1 में पार्शियल फ्रैक्शन देखा होगा। ठीक है, लेकिन वो रूल मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर देखिए जब भी पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो हमें पहले उसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ता है, फिर लास्ट में हम इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लेना बहुत आसान है, सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हो आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला रूल है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब अगर हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन दिया होगा ऐसे 3x और डिनोमिनेटर में इस तरह से दिया है x+1 और x+2, इस तरह से दो फैक्टर्स है। ठीक है, इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं हम। जैसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से फैक्टर मिलते हैं हमें, x+1 x+2 इस तरह से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट फैक्टर्स है, x+2 है x+1 है, सेम टू सेम तो नहीं है दोनों। ठीक है, दोनों अलग है और कैसे लीनियर है, लीनियर मतलब देखिए x की पावर इसमें भी 1 है, x की पावर इसमें भी 1 है, तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो हम उसे लीनियर फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स अगर इस तरह से रहेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, दोनों की एक्स की पावर दोनों में 1 है, मतलब ये लीनियर है। तो इस तरह के जो पार्शियल फ्रैक्शन रहेंगे उसके फैक्टर्स किस तरह से लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a अपॉन a, पहला फैक्टर x+1 और प्लस करेंगे फिर b अपॉन दूसरा फैक्टर है x+2, इस तरह से हमें लिखेंगे। ठीक है, अगर तीन फैक्टर्स रहेंगे तो यहाँ पर +c करेंगे और ये तीसरा फैक्टर इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट रूल टू है, व्हेन डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 3x+5 अपॉन x+1 और x+x-2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से ले लेता हूं अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड, रिपीटेड मतलब बार बार आए हैं लीनियर फैक्टर्स, तो लीनियर मतलब देखिए यहाँ पर दोनों में एक्स की पावर हमें 1 देख रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये कैसे लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, लेकिन कैसे रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब देखिए x+1 पहली बार आया है। ठीक है, और ये x-2 ब्रैकेट स्क्वेयर है, तो यहाँ पर स्क्वेयर है मतलब क्या, x-2 मल्टीप्लाई बाय x-2, मतलब x-2 इस तरह से लिख सकते हैं हम, पावर 2 है मतलब। तो यहाँ पर देखिए दो बार हो गया, x-2 दो बार आया है, तो इसलिए हम इसे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हम बोलेंगे। तो इस तरह का जो पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से करेंगे, ए अपॉन पहला फैक्टर है हमारा x+1, ये रिपीट नहीं हुआ है इसलिए एक ही बार लिखेंगे x+1, फिर प्लस करेंगे बी, तो बी अपॉन क्या करेंगे, ये जो x-2 है इसे हम लिख देंगे और पावर लेकिन हम इसमें नहीं लिखेंगे, और फिर तीसरा लिखेंगे c अपॉन, फिर अभी x-2 और अब इसकी हम पावर लिखेंगे। समझ गए आप, इस तरह से हमें करना है। ठीक है, अगर किसी की पावर है, रिपीटेड फैक्टर्स है, तो पहली बार पहले आप बिना रिपीट मतलब बिना पावर के लिखेंगे, फिर उसको पावर के साथ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। और तीसरा रूल है लास्ट, इन तीनों में से ही आपको किसी एक टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, फिर देखिए व्हेन डिनोमिनेटर हैज डिफरेंट इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जब डिनोमिनेटर में क्या रहेंगे, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा डिनोमिनेटर में, इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ x+3 अगर लिख दिया और डिनोमिनेटर में हम इस तरह से x²+5x इस तरह से, तो देखिए इस तरह का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हम डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, और समझो यहाँ पर x²+5 एक फैक्टर है और दूसरा है x-1, ठीक है x-1 और दूसरा है x²+5x, तो इस तरह से किसे लिखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर ए अपॉन जो x-1 तो एक ही बार आया इसलिए x-1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, अगर निकाल सकते तो इस तरह से आ जाएगा लेकिन फैक्टर्स हमें नहीं पता है। ठीक है, इसके फैक्टर्स हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे, अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो bx+c लिखेंगे इस तरह से। ठीक है,
उसके न्यूमरेटर में और ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स डिनोमिनेटर में। ठीक है, इन तीनों चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। इसी तीनों में से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें ज्यादा इंटीग्रेशन भी निकालने की जरूरत नहीं, एक ही स्टेप में आपका इंटीग्रेशन आ जाता है। सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते आना चाहिए, वो भी हम अभी देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर वन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन। तो आपको कैसे पहचानना है कि एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन का है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए एक एक्स दिख रहा है, एक दूसरा एक्स प्लस वन दिख रहा है। इस तरह से अगर कोई दो ब्रैकेट या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे डिनोमिनेटर में, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो आपको देखना है अभी यहाँ पर देखिए लीनियर फैक्टर से एक्स का पावर वन है और यहाँ पर एक्स की पावर भी वन है, तो दोनों लीनियर फैक्टर्स है और रिपीटेड नहीं, मतलब यहाँ पर मैंने रूल वन आपको बताया था उसी टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए आप। तो पहले हम इसे आई कंसिडर करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर तो जो फंक्शन दिया होता है वो फंक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस के उसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके बाद में हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे इक्वेशन वन देंगे देंगे इसके इसमें बाद में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए dx तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो यहाँ पर dx है मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं मतलब वन है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है हमारा x वन अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस वन इस तरह से। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ पर देखिए दोनों फैक्टर अलग अलग है, तो इस तरह से हम लिखेंगे a अपॉन पहला फैक्टर है x प्लस बी अपन दूसरा फैक्टर है हमारा एक्स प्लस वन, इसे हम इक्वेशन नंबर टू दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लेफ्ट साइड एज इट इज लिख देंगे एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन इक्वल टू, तो ये न्यूमरेटर में ए है, तो ए को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस ये जो बी है उसे हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे x को x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे x ब्रैकेट x प्लस वन। इस तरह से हमें करना है, हर एक एग्जांपल में आपको करना है, तब क्या हो जाएगा देखिए x इन ब्रैकेट x प्लस वन और x इन ब्रैकेट x प्लस वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर ही बचेगा वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट x प्लस वन प्लस बी एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देंगे। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए डिनोमिनेटर में एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन है, तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिए। तो अभी देखिए हमारा वन इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स आ गया है, तो अभी हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर एक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में, तब हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और वो वैल्यू फिर हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करते, तो यहाँ पर देखिए एक्स है पहला फैक्टर है एक्स, तो पहले आपको जो फैक्टर दिए रहेंगे डिनोमिनेटर में तो उसको आपको इक्वेट टू जीरो करना, तो एक्स को अगर मैं इक्वेट टू जीरो करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री, ए इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे, तो यहाँ पर वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स की वैल्यू जीरो प्लस वन और ये प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जीरो, तो यहाँ पर वन इक्वल टू जीरो प्लस वन हो जाएगा वन और वन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो जीरो होता है तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई है वन। ठीक है, अभी दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स की, अभी क्या पुट करेंगे देखिए दूसरा ब्रैकेट है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को मैं अगर जीरो से इक्वेट करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन को राइट में शिफ्ट करूंगा तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो ए वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट x की जगह पर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन और प्लस वन और प्लस बी इन ब्रैकेट x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, सो यहाँ पर ये आ जाएगा ए वन इक्वल टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो और जीरो मल्टीप्लाई बाय ये हो जाता है हमारा जीरो, फिर यहाँ पर देखिए b मल्टीप्लाई बाय माइनस वन है माइनस बी हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई हमारी वन।
तो अभी जो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू माइनस 1 आई है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. सो पुट यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2. इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन सॉरी 1 अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू ए. तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो ये 1 अपॉन x. फिर यहाँ पर प्लस बी की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा x प्लस 1. सो 1 अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. तो देखिए अभी ये फैक्टर की हमारा जो फंक्शन था इसकी वैल्यू आ गई. तो अभी देखिए इक्वेशन 1 की तरह हम इसे बनाएंगे. कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर दोनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे. आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx. तो ये इसकी वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या है हमारी i है. तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूँ i, इक्वेशन 1 से इसे i हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होता है हमारा log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1. तो यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1, और हम x का जो कोएफिशिएंट है उसके उससे डिनोमिनेटर को उससे हम डिवाइड करते. तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से log ऑफ x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, 1 होगा तो, और ये प्लस सी आ जाएगा. तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके. चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इन ब्रैकेट x प्लस 1 सॉरी x प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2 dx. तो पहले हम इसे कंसिडर करेंगे i. सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 और ये dx. तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर भी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और x प्लस 2 इस तरह से हमें लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं अलग अलग. तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये फंक्शन लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है. तो यहाँ पर 1 अपॉन इन ब्रैकेट x प्लस 3 और ये x प्लस 2 ये फंक्शन हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू. तो यहाँ पर देखिए अलग अलग दोनों फैक्टर से, तो हम इस तरह से लिखेंगे a अपॉन पहला फैक्टर x प्लस 3 और b अपॉन दूसरा फैक्टर x प्लस 2. इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2. अभी हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे. तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड एज इट जा जाएगी, और यहाँ पर अभी क्या करेंगे जो a है तो a को हम b के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई बाय b, a का डिनोमिनेटर होता है हमारा x प्लस 3 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा दोनों के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2. तो यहाँ पर x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर ये बचेगा a इक्वल टू सॉरी 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस 3 और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. फिर अभी देखिए नेक्स्ट,
अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर में 3 पुट करेंगे। तो किस तरह से लेंगे, तो पहला देखिए इक्वेशन, पहला फैक्टर देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 और दूसरा x प्लस 2। तो पहला x प्लस 3 को अगर हम x 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 3 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 राइट में शिफ्ट हो गया तो माइनस 3। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्वेट टू 0 करना है तो इस तरह से हमें वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट, x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस 3 प्लस 2 प्लस b इन ब्रैकेट, x की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 3 और ये प्लस 3। तो x की वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा कि ये जो एक हमारा वेरिएबल होता है वो जीरो हो जाता है। सो ए वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 2 हो जाता है हमारा माइनस 1, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए हो जाएगा। और देखिए माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर ये जीरो, सो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, माइनस साइन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, x की अभी नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ये जो सेकंड ब्रैकेट है x प्लस 2, सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x को राइट में शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू माइनस 2 वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी एक लाइन खींच देंगे हम, ठीक है। हाँ, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, सो ए 1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ए x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू हम माइनस 2 पुट करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। फिर अरे प्लस b इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर है x प्लस 3, तो यहाँ पर मैं माइनस 2 प्लस 3 कर देता हूँ। सो 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई ए 0, माइनस 2 प्लस 3 1 और मल्टीप्लाई बाई बी ए बी हो जाएगा यहाँ पर। तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। अभी जो ए और बी की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 है हमारा 1 अपॉन इन ब्रैकेट x प्लस 3 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू ए। तो ए न्यूमरेटर में तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 है। फिर नेक्स्ट है प्लस बी, और बी की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अभी हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2 और dx इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 dx, और ये फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरी वैल्यू है वो वैल्यू देखिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है हमारी i, तो इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे i इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, तो डिनोमिनेटर में x प्लस 3 माइनस साइन एज इट आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 3, और x का कोएफिशिएंट है हमारा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2, और यहाँ पर हम लॉग x प्लस 2 को, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी और ये प्लस सी। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आपके बुक में दिया है उस तरह से,
तो ये log x प्लस टू और ये माइनस log x प्लस थ्री है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉगरिथम का यूज करके, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो इस तरह से log ये x प्लस टू और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस थ्री, इस तरह से भी आप कर सकते हो, और ये प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थ्री। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा एग्जांपल नंबर फोर है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस फोर dx। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर दिख रहे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसे i कंसिडर करेंगे, सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस फोर dx। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस फोर है, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह से लेंगे। लेकिन अब देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या कि जिसकी पावर टू है वेरिएबल की, जिसमें तो यहाँ पर एक्स की पावर टू है, तो अगर इसे हम कुछ सॉल्व कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो वो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर आई इक्वल टू, थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन और ये एक्स इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर है, तो मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और माइनस फोर टू का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर टू स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर मेरे डी एक्स। अभी देखिए, मैंने इस तरह से लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस तरह के फार्मूला आ गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है हमारी एक्स और बी की वैल्यू हमारी है टू, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू और ए डी एक्स, ठीक है, इस तरह से हम आ जाएगा हमारा। अभी हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर वन, अभी हम इसे करेंगे सॉल्व। तो यहां पर देखिए, पहले हम ये फंक्शन बाहर निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू और ए एक्स माइनस टू। अगर कोई भी तीन फैक्टर आपके पास दिए होंगे तो आप देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहला a अपॉन, सारे के सारे फैक्टर डिफरेंट है, तो इसलिए a अपॉन x, फिर b अपॉन सेकंड फैक्टर है हमारा x प्लस टू, और फिर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर है हमारा x माइनस टू, इसे हम इक्वेशन वन टू दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए, x प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर a, तो क्या करेंगे a मल्टीप्लाई बाय, तो आप क्या करेंगे इस तरह से, अगर दो दो डिनोमिनेटर दिख रहे हैं आपको बाजू में, तो क्या करेंगे ए, तो एक्स का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी सारे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बी का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स प्लस टू, फिर अभी सी के डिनोमिनेटर से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू, अभी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी को पहले एक्स के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, खुद का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी की जो डिनोमिनेटर उससे आप मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर प्लस C, तो C को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A के डिनोमिनेटर से और फिर B के डिनोमिनेटर से, ठीक है, खुद के डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे इक्वेशन नंबर टू दे देंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये डिनोमिनेटर कहाँ चले गए, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर x इन ब्रैकेट x प्लस टू और x माइनस टू, इस तरह से हमारा लेफ्ट साइड में आया था। तो यहाँ पर देखिए, इन सारों का डिनोमिनेटर, अभी हमने तीनों का एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे इसके, कि क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू। तो देखिए, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सारे सेम सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी हम आगे वाले क्वेश्चंस में इस तरह से डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन टू फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी एक स्टेप बच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो ये रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए लिखा था मैंने। अभी इस तरह से इक्वेशन नंबर, सॉरी, इसे इक्वेशन नंबर हमें थ्री देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो नंबर हमारा पहले ही है। तो अभी हम x की वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर थ्री में। तो पहले करेंगे पुट x इज इक्वल टू, तो पहला फैक्टर क्या है, x x है, तो x को जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री में देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू मतलब जीरो प्लस टू, और यहाँ पर जीरो माइनस टू हो जाएगा, फिर प्लस बी इन ब्रैकेट, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ पर एक्स माइनस टू मतलब जीरो माइनस टू,
फिर ए प्लस, फिर सी, एक्स की वैल्यू है 0, फिर एक्स प्लस टू मतलब 0 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर 0 0 प्लस 1 मतलब हमारा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 0 प्लस 2 मतलब 2 और ये 0 माइनस 2 मतलब -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय +2 -4 उठ जाएगा और -4 मल्टीप्लाई बाय -4 ये आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और 0 से किसी भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से सी मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और सी की दोनों की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ए की वैल्यू निकालेंगे, सो देयरफॉर ए इक्वल टू -4 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 1/-4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी 1/-4 हमें मिल जाएगी। अभी एक्स की वैल्यू हम सेकंड पुट करेंगे, सो पुट x इज इक्वल टू, अभी x की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो सेकंड फैक्टर देखिए है हमारा x प्लस टू, तो x प्लस टू को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 2 राइट में शिफ्ट होगा तो ये -2 हो जाएगा प्लस 2 का, तो ये पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू मतलब -2 प्लस 2 इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू मतलब -2 माइनस 2 फिर प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स एक्स मतलब -2 और दूसरा ब्रैकेट में -2 माइनस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस टू मतलब -2 और -2 प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब -2 और फिर एक्स प्लस टू मतलब -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, -2 प्लस 2 हो जाएगा 0 और 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 से -2 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सारी वैल्यूज हमारी हो जाएगी 0 a की। इसी तरह से b में देखिए b की क्या हो जाएगी, -2 -2 हो जाएगा -4 और ये -4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 8 हो जाएगा और +8 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8b हो जाएगा। फिर से देखिए -2 प्लस 2 हो जाएगा 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वैल्यू हो जाएगी 0, सो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सो b इक्वल टू ये -1 और ये 8 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी b की मिल गई हमें। अभी हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, तो अभी क्या करेंगे जो तीसरा फैक्टर है x माइनस टू को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो देखिए x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, 2 को शिफ्ट करेंगे तो ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम, सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे ठीक है वैल्यू। तो इक्वेशन 3 में देखिए ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, सो ये x प्लस 1 मतलब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2 और फिर सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 और फिर प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 2 फिर ये 2 माइनस 2 प्लस सी इन ब्रैकेट एक्स एक्स मतलब 2 और ये एक्स प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, -2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 a की। इसी तरह से 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पर और 0 मल्टीप्लाई बाय बी और ए 2 पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय सी 8c, तो यहाँ पर 8c हो जाएगा, सो देयरफॉर हमारी जो c की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 3/8, 8 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अभी जो ए बी सी की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करेंगे, तो ए की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे -1/4, बी की जगह पर -1/8 और सी की जगह पर 3/8 हम इस तरह से लिखेंगे ठीक है। तो अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर जगह नहीं है ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने रफ कर दिया, सिर्फ मैं यहाँ पर अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ए की वैल्यू आई थी, जो एबीसी की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं पुट
क्यों पुट वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स अपॉन सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अभी देखिए ए की वैल्यू आई थी हमारी माइनस वन अपॉन फोर और डिनोमिनेटर में एक्स, फिर बी की वैल्यू आई थी हमारी माइनस वन अपॉन एट, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस वन अपॉन एट कर देता हूँ मैं, सॉरी न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा ठीक है। यहाँ पर ये प्लस साइन है लेकिन यहाँ पर माइनस वन अपॉन एट वैल्यू है, तो यहाँ पर वन अपॉन एट अपॉन एक्स प्लस टू, फिर यहाँ पर प्लस सी, तो सी की वैल्यू आई थी हमारी थ्री अपॉन एट और ये एक्स माइनस टू हो जाएगा ठीक है इस तरह से। तो देखिए आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे अभी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन इन ब्रैकेट सॉरी एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू और ये एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट है ये बाजू में आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, फिर देखिए माइनस वन अपॉन एट फिर बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। इसी तरह से थ्री बाई एट भी हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरी वैल्यू है वो वैल्यू क्या है हमारी, देखिए ये वैल्यू ही है तो इसकी वैल्यू हमारी आई है पूरी टर्म्स की, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे आई इसकी जगह पर, तो इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है वन, तो वन से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से प्लस थ्री अपॉन एट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर लास्ट में हम ऐड कर देंगे सी, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है। थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ठीक है, अगर आपको प्रोसीजर आप एक बार समझ गए तो सारे के सारे जो पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है उसमें सारी की सारी सेम टू सेम प्रोसीजर है ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ पर हमारे जो पहले गिवन दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू डी एक्स ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो फंक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दो फैक्टर्स, एक एक्स स्क्वेयर है और दूसरा एक्स माइनस टू है। तो यहाँ पर देखिए लीनियर फैक्टर्स नहीं है, यहाँ पर रिपीटेड फैक्टर्स है ठीक है। ये पहला एक्स माइनस टू लीनियर है, इसकी पावर वन है लेकिन इसकी पावर टू है, तो पावर टू रहेगी अगर कोई फंक्शन की इस तरह से एक्स स्क्वेयर या एक्स माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में। तो अगर किसी पूरे ब्रैकेट की पावर रहेगी या सिंगल एक्स की पावर रहेगी तो यहाँ पर दो पावर है, मतलब इसका मतलब क्या हो कि एक्स को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, या एक्स माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो आपको एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू करेंगे। मतलब क्या हुआ, पावर आ गई, इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन दो बार खुद से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड फैक्टर कहेंगे हम इसे ठीक है। तो यहाँ पर हम रिपीटेड फैक्टर का यूज करेंगे, यहाँ पर रूल नंबर टू बताया था, वो रूल नंबर टू हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, और जब भी कोई ऐसे ब्रैकेट की पावर आएगी या सिंगल एक्स की पावर आएगी तो आप इसी तरह से सॉल्व करना ठीक है। इसे मैं अभी रफ कर देता हूं। तो पहले जो फंक्शन चाहिए हमें इस इक्वेशन नंबर वन दे देंगे हम, जो फंक्शन चाहिए वो फंक्शन को हम बाहर निकाल लेंगे उसका पार्शियल फ्रैक्शन लेने के लिए। सो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन
ए अपॉन पहला फैक्टर है हमारा एक्स, तो ये एक्स जो पावर वाले होते हैं वो बाद में लिखेंगे, पहले मैं एक्स माइनस टू लिख देता हूँ ए के डिनोमिनेटर में, प्लस यहाँ पर देखिए बी, तो बी कैसे लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर बिना पावर का एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर सी के नीचे पावर वाला एक्स लिखेंगे, इस तरह से मैं आपको आपको ये लिखना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एक्स प्लस वन यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये ए लेंगे, फिर ए के जो बाकी के जो दो डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो यहाँ पर देखिए अभी बाकी के जो दो डिनोमिनेटर एक है एक्स और दूसरा है एक्स स्क्वेयर, तो अभी आप एक्स से और एक्स स्क्वेयर दोनों को एक साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पर ये एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू छोड़ दिया हमने क्योंकि ये तो एक्स माइनस टू ए का डिनोमिनेटर है, तो अभी हम जो दूसरा डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरफ देखेंगे आप तो एक्स और एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड फैक्टर है और रिपीट हुआ है, इसलिए सिर्फ आपको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, ए का डिनोमिनेटर छोड़ के बचा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, तो आप एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखिए प्लस बी, अभी बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी का जो बी का डिनोमिनेटर है हमारा तो ये है एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स छोड़ के बाकी के जो दो डिनोमिनेटर है एक्स माइनस टू और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर बी का तो एक्स है, तो इसमें से अगर एक एक्स निकाल दिया हमने एक एक्स को, तो यहाँ पर बचेगा एक ही एक्स, तो यहाँ पर हम इस तरह से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखिए प्लस सी इन ब्रैकेट, तो सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वायर छोड़ के यहाँ पर कौन सी टर्म है एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर एक्स माइनस टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे हम, इसे टू देना चाहिए था और अभी हम इसे इक्वेशन नंबर थ्री दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए अभी अभी हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो जीरो ही आएगा, सो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट जीरो स्क्वेयर प्लस बी इन ब्रैकेट जीरो माइनस टू इन ब्रैकेट जीरो प्लस सी इन ब्रैकेट जीरो माइनस टू, इस तरह से, तो ये जीरो प्लस वन हो जाएगा वन, ए स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, इसी तरह से देखिए यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस टू जीरो और जीरो से कुछ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, सो यहाँ पर ये सी इन ब्रैकेट देखिए जीरो माइनस टू हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू सी हो जाएगा, सो देयर फोर सी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस टू को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे हम, तो ये वन अपॉन माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पर सी की वैल्यू, हमें सी की वैल्यू मिल गई। अभी देखिए दूसरी वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे हम, अभी जो दूसरा ब्रैकेट है एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो ये एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टू, क्योंकि राइट में शिफ्ट किया तो माइनस टू को प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन थ्री, तो यहाँ पर ये टू पुट कर देता हूँ मैं, टू प्लस वन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर है, मतलब क्या हुआ टू का स्क्वेयर है, प्लस ब्री इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू मतलब टू माइनस टू और एक्स की जगह पर पुट करेंगे टू और ये प्लस सी इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू मतलब टू माइनस टू, तो ये टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, टू का स्क्वायर फोर और फोर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा फोर ए, देखिए टू माइनस टू हो जाएगा जीरो, जीरो से टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और जीरो से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसी तरह से देखिए सी को मल्टीप्लाई में टू माइनस टू हो जाता है जीरो और जीरो से सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, सो दे और फोर यहाँ पर ये थ्री इज इक्वल टू फोर आ गया, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये थ्री बाय फोर हो जाएगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी थ्री बाय फोर, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी तीसरी वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं बची है हमारे पास, डिनोमिनेटर तो खत्म हो गए, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि एक्स की कोई भी वैल्यू आप अपने मन से पुट करना है, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सारे खत्म हो जाएंगे फैक्टर्स, तो क्या पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप जो हमने अभी तक नहीं पुट किए, ठीक है, तो मन से कुछ भी वैल्यू पुट करिए आप एक्स की, आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं एक्स की वैल्यू वन पुट कर देता हूँ, यहाँ पर हमने पहले जीरो पुट की थी फिर टू पुट की, तो यहाँ पर मैं अभी वन पुट कर देता हूँ अपने मन से, ठीक है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू वन, आप चाहे तो दूसरी वैल्यू पुट करके भी आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, सेम टू सेम ही आंसर आएगा,
सो पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री. तो यहाँ पर इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो एक्स प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से. हाँ तो ये जीरो प्लस वन हो गया. फिर यहाँ पर देखिए ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर मतलब ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर मतलब ये वन का स्क्वेयर प्लस बी, फिर ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स मतलब वन माइनस टू इंटू वन प्लस सी इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू मतलब वन माइनस टू. तो ये जीरो प्लस वन हो जाएगा, वन इज इक्वल टू वन का स्क्वेयर वन, वन मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, ये वन माइनस टू हो जाएगा माइनस वन, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी ए माइनस बी हो जाएगा, वन माइनस टू हो जाएगा माइनस वन, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय सी ए माइनस सी. तो अभी यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे. तो ए की वैल्यू पता है क्या हमें? हाँ पता है, तो ये थ्री बाय फोर पुट करेंगे. बी की वैल्यू पता नहीं इसलिए बी एज इट इज रखेंगे, और सी की वैल्यू है माइनस वन अपॉइंट टू, तो ये माइनस वन अपॉइंट टू, तो ये माइनस ऑफ माइनस वन अपॉइंट टू हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए वन इक्वल टू, तो ये थ्री बाय फोर माइनस बी, बी को मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर ये माइनस ऑफ माइनस वन बाय टू हो जाएगा, प्लस वन बाय टू, और ये माइनस बी. तो यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, फोर और टू का एलसीएम हो जाएगा फोर, तो ये थ्री बाय फोर एज इट इज आएगा, और ये टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएगा. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू, और डिनोमिनेटर फोर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा बी. अभी मैं क्या करता हूँ, बी को लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस बी हो जाएगा, और वन को राइट में शिफ्ट करता हूँ तो ये थ्री प्लस टू हो जाएगा हमारा, फाइव अपॉन फोर है माइनस वन. तो बी की वैल्यू आ जाएगा हमारे, बी इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय वन फोर, फाइव माइनस फोर हो जाएगा वन अपॉन फोर, आंसर आ जाएगा आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो बी की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर. ये जो सारी वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लाइन खींच देता हूँ मैं, इस साइड में ही लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा जगह नहीं बची है. सो यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर में, पुट वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन टू. इक्वेशन टू में हम इक्वेश ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे. तो ये देखिए इक्वेशन टू है हमारा एक्स अपॉन, सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन है वन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस टू. तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए थ्री बाय फोर, तो यहाँ पर है थ्री बाय फोर अपॉन एक्स माइनस टू. फिर देखिए यहाँ पर प्लस बी अपॉन एक्स, तो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ गई हमारी, बी की वैल्यू है वन अपॉन फोर, तो ये वन अपॉन फोर अपॉन एक्स. उसी तरह से सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस वन अपॉन टू है, तो यहाँ पर है प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर है माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर लिख देता हूँ मैं. अभी क्या करेंगे, दोनों साइड से इंटीग्रेशन ले लेंगे. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये थ्री बाय फोर है इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये एक्स है यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है. तो ये डी एक्स अपॉन एक्स आ गया, ठीक है, इसे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक हो. तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं इसलिए, प्लस वन अपॉन फोर और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, या आप इस तरह से लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स. फिर लास्ट में माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू को कॉमन निकाल लेंगे इस तरह से, और इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि इक्वेशन वन से हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आई है। तो इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 3/4 एज इट इज आ जाएगा, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पर ये लॉग एक्स हो जाता है हमारा, यहाँ पर भी एक्स का कोएफिशिएंट वन है, फिर यहाँ पर ये माइनस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ये लॉग में नहीं आएगा, तो ये ऊपर में शिफ्ट करेंगे तो एक्स रेस टू माइनस टू आ जाएगा, तो ये एक्स रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ मैं, माइनस वन टू प्लस माइनस टू प्लस वन हो जाएगा हमारा एक्स रेस टू माइनस वन, और डिनोमिनेटर में बचेगा माइनस वन और ए प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन देखिए थोड़ी सी एक गलती हो गई शायद हमारे कहीं, तो भी देखिए हमारा जो वैल्यू है वो आपके बुक में अलग दिया हुआ है, ये वैल्यू है आपके बुक में -3/4 आना चाहिए तभी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने वन पुट की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए हमारे इक्वेशन थ्री में ये एक्स प्लस वन है, तो मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू गलती से जीरो पुट कर दी, तो ये यहाँ पर वन पुट करता तो ये यहाँ पर भी टू हो जाती, यहाँ पर भी ये टू हो जाता और यहाँ पर भी ये टू हो जाता, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पर भी ये टू हो जाता, ये भी टू ही हो रहता, तो ये यहाँ पर हमारा -3/4 वैल्यू आ जाती, ठीक है, क्योंकि 4 × 2 हो जाता -8 और -8 +5 हो जाता -3, तो -3/4। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमारी -3/4 चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है, -3/4 यहाँ पर भी ये प्लस नहीं -3/4, ठीक है। इस तरह से करेंगे, फिर ये भी माइनस होना चाहिए -3/4, ठीक है, अभी ये ठीक से आ गया हमारा, तो ये आई इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, लेकिन आपके मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको केयरफुली ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी एग्जाम्पल हो जाता है, तो थोड़ा आपको भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये एक्स माइनस टू और ये -3/4 लॉग एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर न्यूमरेटर में माइनस वन है, तो डिनोमिनेटर शिफ्ट करेंगे तो ये वन हो जाएगी, तो ये माइनस वन और ये माइनस साइन, तो यहाँ पर ये +1/2 हो जाएगा, ये माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो और ये एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि पावर माइनस वन है डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो +1 हो जाएगी और ये प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं, लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए, ठीक है, कुछ आधे एग्जाम्पल्स बाकी है, वो एग्जाम्पल्स हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, फिर कल और परसों में आपका इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और केयरफुली आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि थोड़े ज़्यादा लेंदी है और थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कैलकुलेशन में आपको भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।